हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से यहाँ पे हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट जेनेटिक्स की वीडियो को लेके। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो जीन है वो कैसे डोमिनेंट होते हैं और कैसे रिसेसिव होते हैं। डोमिनेंट जीन जो है वो अपने आप को डोमिनेंट ही क्यों एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस क्यों नहीं करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो जीन है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक फॉर्म क्या होती है, उसकी डोमिनेंट फॉर्म होती है, और जो सेकेंड फॉर्म होती है उसकी, वो क्या होती है, रिसेसिव फॉर्म होती है, रिसेसिव फॉर्म होती है। हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट जीन है वो हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इन हेट्रोजाइगस फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, जो हेट्रोजाइगस फॉर्म होती है जीन की, फॉर एग्जाम्पल हम टोलनेस ऑफ जीन को यहाँ पे फिर से एक कैरेक्टर के लिए ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो क्या है, डोमिनेंट। ठीक है, रिसेसिव जीन है ये अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कब एक्सप्रेस करता है, जब ये होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अदरवाइज ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा जो है वो हमें क्या बताता है कि डीएनए जो है वो किस में चेंज हो जाता है, आरएनए के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और आरएनए जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सेंट्रल डोगमा यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्ट है। आप प्रोकैरियोटिक सेल को भी ले सकते हो, यहाँ पे यूकैरियोटिक फंगाई किसी भी सेल के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देखोगे तो जो एक्सप्रेशन का जो फिनोमेना है वो यही होता है। डीएनए जो है वो आरएनए में चेंज होता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जीन जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, पी के राउंड जीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो पी प्लांट है उसके अंदर राउंड सीड का जो के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, आर, कैपिटल आर जीन। ठीक है, जो कैपिटल आर जीन होता है, ठीक है, ये इसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और स्मॉल आर जो यहाँ पे जीन होता है बेटा, वो कैसा होता है, रिसेसिव फॉर्म होती है जीन की, जिसके अंदर क्या होगा कि जो सीड की जो शेप होगी वो कैसी होती है, रिंकल्ड होती है। डोमिनेंट के केस में क्या होगी, सीड की शेप कैसे होगी, राउंड होगी, और स्मॉल आर के केस में कैसी होगी, रिंकल्ड सीड की शेप होगी। इस तरह से क्या होगी, कोई भी इसकी शेप बन जाएगी। ठीक है, सीड की पर्टिकुलर शेप होगी, यहाँ पे रिंकल्ड शेप होगी जब जीन क्या हो, रिसेसिव हो, और जब जीन डोमिनेंट होगा देन जो है इसकी शेप कैसी होगी, राउंड होगी। ठीक है, तो जो राउंड सीड की जो शेप है इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये आर जीन जो है एक पर्टिकुलर, भाई जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर डीएनए है जो आरएनए में चेंज होगा और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एक प्रोटीन की, एक पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा ये। ठीक है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम क्या है, SBE, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। जो आर कैपिटल जीन है ये किसको फॉर्म करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को फॉर्म करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को ये क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है इसका काम क्या होता है, भाई जो सीड है उसके अंदर क्या करता है, पी का जो प्लांट है वो, हर एक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसाइज करता है, तो पी पी प्लांट भी करेगा। अब वो फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उसका जो फूड होता है, जो फूड वो बना रहा है, ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, और ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट स्टोर करते हैं। तो पी का प्लांट भी अपनी स्टार्च को किसके अंदर स्टोर करता है, सीड के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, और जब ये जीन प्रेजेंट होता है, कैपिटल आर जीन, तो ये किसके फॉर्मेशन करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनता है देन क्या होगा कि स्टार्च की क्या होगी, पॉलीमराइजेशन होगी। ठीक है, ग्लूकोज के कंडेंस होगा और पॉलीमराइजेशन होगी उसकी, और स्टार्च की फॉर्मेशन होगी। ठीक
ठीक है। और जब कंप्लीटली स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाती है देन क्या होगा कि शीट की शेप कैसी हो जाती है, राउंड हो जाती है, ठीक है। और अगर स्टार्च जो है वो कंडेंस नहीं हो पाता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च की ही फॉर्म होती है बेटा, जिसके अंदर क्या होती है ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ब्रांचिंग स्टार्च की दो फॉर्म होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग भी नहीं कर पाएगा, और ब्रांचिंग नहीं होगी तो स्टार्च जो है वो कंडेंस नहीं हो पाएगा, और उसके कंडेंस ना होने की वजह से शीट की शेप जो है वो राउंड नहीं हो पाएगी, कैसी होगी, रिंकल्ड होगी, ठीक है। और ऐसे रिंकल्ड सीड के अंदर जो शुगर है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगी। फ्री फॉर्म में क्या होगा, शुगर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सीड होते हैं, जो रिंकल्ड सीड होते हैं, ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, मोर स्वीट इन टेस्ट, ओके। और जो राउंड सीड है दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, क्योंकि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, उसकी ग्लूकोज को क्या करता है, कंडेंस कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। जिसकी वजह से सीड की शेप जो है वो राउंड हो जाती है, स्मूथ ब्रांचिंग हो जाती है उसकी, ठीक है। तो जो ये डोमिनेंट जीन है ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम को सिंथेसाइज कर पा रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव जीन है, जहाँ पे जीन क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल आर अगर जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है इसकी फॉर्मेशन ये नहीं कर पाता है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, शीड की शेप जो होती है वो रिंकल्ड हो जाएगी, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बनेगा, स्टार्च कंडेंस नहीं हो पाएगी, और पर्टिकुलर शेप जो है शीड वो अटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो है केमिस्ट्री बिहाइंड डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, ठीक है। और नेचर में जो जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, नेचर में जो जीन प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, वाइल्ड टाइप के होते हैं। जो नेचर में जीन प्रेजेंट हैं, नेचर में जो जीन प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑफ वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप, वाइल्ड का मतलब होता है डोमिनेंट। वो सभी जीन जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है वो वाइल्ड होंगे, डोमिनेंट होंगे। ये किसको दिखाते हैं, ये हमारे इवोल्यूशन के पैटर्न को दिखाते हैं, ठीक है। कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, लाइफ जब ओरिजिनेट हुई तब ये जीन सारे जो जीन हम आज जिनको डिफरेंट अलील की फॉर्म में देखते हैं, डोमिनेंट भी है, रिसेसिव अलील भी मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो दो फॉर्म हमें दिखाई दे रही है ये किसकी वजह से दिखाई दे रही है, ओरिजिनली ये जीन जो इवोल्व हुए थे वो डोमिनेंट फॉर्म में इवोल्व हुए थे, लेकिन इनके अंदर क्या हुई, कुछ ना कुछ म्यूटेशन हो गई। जो डोमिनेंट जीन थे, भाई है क्या चीज़, ये डोमिनेंट और रिसेसिव ये जो जीन है, ये डीएन पर्टिकुलर क्या है, डीएनए की सेगमेंट है, पर्टिकुलर डीएनए की क्या है, ये सेगमेंट है। इस पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट में अगर कोई म्यूटाजन, इफ एनी म्यूटाजन, म्यूटाजन किसी भी म्यूटाजन के एक्सपोजर की वजह से अगर डीएनए की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, कोई भी चेंज आ जाएगा स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर आरएनए को फॉर्म नहीं कर पाएगी, पर्टिकुलर आरएनए जो है इससे फॉर्म नहीं होगा, और जब आरएनए ही फॉर्म नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट इसे बनाना था, जो पॉलीपेप्टाइडिक चेन इसे बनानी थी, वो नहीं बन पाएगी। ये किसकी वजह से हुआ, म्यूटेशन की वजह से हुआ, ठीक है। तो ओरिजिनली ये जो जीन है सारे के सारे वो इवोल्व हुए डोमिनेंट फॉर्म में, इसमें किसी म्यूटेशन की वजह से कोई म्यूटाजन का एक्सपोजर इसको मिला, हो सकता है किसी रेडिएशन का एक्सपोजर मिला हो, कोई फिजिकल म्यूटेंट म्यूटेजन जो है उसका एक्सपोजर इसको मिला हो, तो क्या हो, जीन जो है वो कन्वर्ट हो गया, उसकी जो शेप थी, उसकी जो स्ट्रक्चर थी, उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो जीन है पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म नहीं कर पाया, तो उससे जो फॉर्म बनी वो रिसेसिव फॉर्म होती है। वो क्या है, रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है। तो
जो रिसेसिव फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं, म्यूटेशन का रिजल्ट होती हैं, ठीक है। और डोमिनेंट फॉर्म क्या होती हैं नेचर के अंदर, वो वाइल्ड टाइप होती हैं, वो उसी फॉर्म में इवोल्व होती हैं, ठीक है।